श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी क्रैकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास टेंथ के लिए, कक्षा 10 के लिए। उसमें क्या रहेगा? आपका ग्रामर है। ग्रामर में क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। क्लास टेंथ के लिए है ग्रामर। ग्रामर में क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने बता दिया कई बार, जिन बच्चों को ग्रामर नहीं आता है स्पेलिंग, अभी तक कक्षा 10 में चले गए हैं, अगर ग्रामर पढ़ते नहीं आती है ग्रामर की स्पेलिंग, हमने बता दिया है कि ग्राम लिख देंगे, पहले ग्राम लिख करके इसी में मर शब्द जोड़ देंगे बेटा, ये मिला देंगे, ग्रामर आपका तैयार हो जाएगा। ओके, अगर पैसिव की स्पेलिंग नहीं आती है पास लिख दीजिए, पास लिख कर सिव, पैसिव तैयार हो जाएगा। अगर वॉइस की स्पेलिंग नहीं आती है वॉइस की, तो आप बोलते हैं कि ओ आई सी, तो वो हो गया आई सी, दोनों मिला दिए वॉइस हो गया। तो इसी तरीके से आपको सीखना है अच्छे से कैसे पढ़ना है। पढ़ने से पहले आपको सब कुछ की स्पेलिंग पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो आज के जो पढ़ा रहे हैं ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और हम टेस्ट चलेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट। किस में चलेंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब आपको इंडिफिनिट की ये छोटी स्पेलिंग है, फ्यूचर की इंडिफिनिट की अगर स्पेलिंग नहीं आती है, पहले आप इन लिखेंगे, इन लिखने में डे लिख करके, उसके बाद सब पर छोटी की मात्रा देते जाएंगे, आपका इंडिफिनिट तैयार हो जाएगा। जिस बच्चे को टेंस की स्पेलिंग अगर नहीं आती है, उसके लिए आप आराम से 10 लिखिए, 10 माने 10 होता है, उसी में एस ही जोड़ दीजिए, टेंस हो गया, छोटा हो गया, याद भी हो गया। इसी तरीके से मैं आपको इसका रूल लिखवाऊंगा फ्यूचर इंडिफिनिट का। रूल्स है, ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं, जिसे फ्यूचर टेंस में चलता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ई टी सी सेट्रा मन इत्यादि। ई टी सेट्रा मन क्या होता है? इत्यादि। अब आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल माने आप जानते होंगे कि उदाहरण होता है, एक उदाहरण दूंगा, वी सेल लर्न योर लेसन। अब देखिए, वी शैल लर्न योर लेसन। अब ये नियम है, वी शैल लर्न आवर लेसन है, योर नहीं होगा क्योंकि इफ साथ योर लगता है, तो वी शैल लर्न योर लेसन। तो हमको ये करना क्या है, ये लर्न की स्पेलिंग नहीं आती है, आर्न कितना हो गया, छोटा हुआ, एल जोड़ दिए। लेसन की नहीं आती है तो आप बोलते हैं, बाजार जाते हैं कि कई रुपया लेस कर रहे हैं, तो लेस लिख करके बेटा इसी में सन की अंग्रेजी जोड़ देंगे तो पूरा लेसन हो जाएगा। अब ये रूल कहता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कार्य करता है, करने मतलब कर्ता जो होता है
कर्म काम करता है, कर्म आगे कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो पीछे चलेंगे, आवर लेशन विल बी, अभी हमने नियम लिखाया है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा लर्न, लर्नड, लर्नड बाय, और हमने पर्सन बदलने के लिए भी कहा है कि वी का आस हो जाता है, दे का देम होता है, सी का हर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आस। ये तो पॉजिटिव रहा है, अगर नेगेटिव आता है तो इसी के बीच में हम नाट शब्द का प्रयोग कर देते हैं, अगर नेगेटिव वाक्य है उसी के बीच में हम नाट शब्द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसको इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक, क्या होता है प्रश्नवाचक, जिसको इंट्रोगेटिव किस भी नहीं आती है बच्चों, आप केवल इंटर लिखेगा, क्या लिखेंगे इंटर लिख के प्लस रोगेटिव, आपका स्पेलिंग भी छोटा हो गया और लर्न भी आसानी से हो जाएगा, छोटा कर दिए, जैसे हिंदी में संस्कृत शब्द विजित करते हैं इसको सस्फिक्स परफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमने छोटा कर दिया, पहले इसको लग दिया इंटर, फिर रोगेटिव जोड़ दिया, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव अंग्रेजी में जो दो प्रकार का होता है, काइंड्स, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव, पैसिव वर्ब्स के अनुसार इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, नंबर वन ए टाइप्स, टाइप टाइप कहते हैं, टाइप्स बोलते हैं, टाइप नहीं होता टाइप्स, ए टाइप्स, नंबर दो बी टाइप्स, ए टाइप्स और बी टाइप्स, बी टाइप ए टाइप्स होता है इसके जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं बीच में नहीं होते हैं, केवल इसकी सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले होती है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, शैल वी ईट फूड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया, हमने कहा इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, पीछे चलेंगे यहाँ से तो फूड को लाएंगे, तो फूड के अनुसार यहाँ पर जो सैल वी के अनुसार यहाँ बच्चों सैल है, और हम जब स्कूल सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर विल हो जाएगा, विल हुआ, विल के बाद फूड रखेंगे, फूड बी, बी का प्रयोग बताया गया, बी ईट का ईटेन, ईटेन बाय आस। ठीक है, आपको आसानी से हो गया, विल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो वीक सा सह लगता है, नियम रूल है, इसलिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा, क्योंकि हमने कई बार बताया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का कर्ता क्या हो जाता है, सब्जेक्ट काम करने लगता है, उल्टा हो जाता है, तो उसी सब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम विल और सेल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण है बी टाइप का है, नंबर दो बी टाइप्स, क्या है बी टाइप्स, बी टाइप्स में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो होता है सब जैसे पहले होता है, तो व्हाई विल यू नॉट टीच मी, टीच मी। ठीक, अब हमारा जो है ये वाला शब्द कर्ता वाला यहाँ पर जाएगा, ये ग्रहण कर लेगा, और ए वाला उठ करके यहाँ पर बच्चों आएगा, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हम बार बार बोलते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का
सब्जेक्ट होता हो जाता है। अब हम चलेंगे इधर पीछे से, आपको क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा बच्चों, वाई हो गया। अब इसको अगर हम लाते हैं, आई हो जाएगा, मीक आई होगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, सेल हो जाएगा। ओके, वाई सेल आई नॉट बी टीच का रूप चलता है, टीच टाट टाट, तो टाट चलेंगे, क्या चलेंगे, टाट टाट बाई यू। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब आप लोग जो है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, और एक एक एक्सरसाइज डेली देता रहूँगा, जो पढ़ाऊँगा बच्चों वही मैं दूंगा। अभी हमने ग्रामर के बारे में बता दिया, क्लास 10 का है ग्रामर, इसको हम ग्रामर में क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाने चल रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम चले थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे, उसका रूल लिख दिए हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है, और सबको समझाया है इंट्रोगेटिव में क्या आता है, काइंड ऑफ द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, ए टाइप और बी टाइप। तो बी टाइप में देखिए, एक बार और देख लीजिएगा, टफ है, वाई विल यू नॉट टीच मी। तो आपको जो है कह, सर जी यहाँ पर कहाँ से आई आ गया, यहाँ पर तो विल था, यहाँ पर कैसे सेल हो गया। तो इसका कुछ नियम है कि कैसे कैसे होता है। तो आप जो है पीछे से मी का हमने क्वेश्चन उतार लिए, मी के अनुसार यहाँ पर सेल कर दिए बच्चों, उसके बाद आई, मी का आई हो गया, नाट को बी, और इसका थर्ड रूप रख दिए। थर्ड रूप रखने के बाद हमने कर दिया बाई, और उसके बाद जो रूप उसको रख दिए। इसी साथ मैं बच्चों आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।